हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू। मैं बात करने वाला ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट सुपरवाइजर और आपको फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव्स, आपको सुपरवाइजर SO के लिए, ये एक्सपीरियंस वाला के लिए ओनली ये सैलरी मिल रहा है, ठीक है। फ्रेशर के लिए वो अलग वीडियो आएगी, वो देखना पड़ेगी। ये ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट 25,000 रुपीज़ रहता है वो SO के लिए। 12 आवर्स का ड्यूटी रहता है उसको। आपको चाहिए अच्छा सैलरी भी है और एक एडमिन में ऑफिसर भी है, ठीक है। 25,000 उसको भी है, एडमिन एग्जीक्यूटिव को भी, उसको भी 25,000 है और फील्ड एग्जीक्यूटिव का भी 18,000 है। तो 25 25, तो थिंक करो आपको कितना अच्छा सैलरी दे रहे, ओके ना। और ये मिल रहा है आपको जयनगर पे। तो आपको ये क्या है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिल रहा है, ओके। और भी आपको एक्सपीरियंस है तो मिलेगी आपको 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ठीक है। तो क्या है इसका बेनिफिट तुम लोग को, ये ज्वेलर का शॉप रहता है, कंपनी का रहता है, इसका अलग अलग आपको काम रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी कंपनी जाएगी उसका आगे पीछे कंपनी का अंदर दिखने वाला पहले सिक्योरिटी, ओके। उसका इधर इज्जत बहुत है, ठीक है। तो जो भी ये सिक्योरिटी अलाउ नहीं करते वो बाहर ही रहना पड़ेगी, समझ में आया ना। तो आपको इधर क्यों ऐसा मैं बोल रहा है, सब लोग गार्ड मने थिंक करते हैं वो कुछ दूसरा का काम का जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी का अंदर भी रहता है, आपको बाहर भी रहता है। तो फूड एंड अकोमोडेशन चाहिए तो वो मैं दूसरा वीडियो पे बता दी, ओनली फॉर सीनियर पोस्ट, ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये वीडियो। क्यों है, आपको एक्सपीरियंस है, सुपरवाइजर में एक्सपीरियंस है, गार्ड का एक्सपीरियंस है और फैसिलिटी बोला था ना, फैसिलिटी इसी में है, एडमिन में है, उसी का सैलरी 25,000 है, ठीक है ना। तो ये सैलरी पे आप लोग जाने वाला कोई रहेगा तो डॉक्यूमेंट, मर्चेंट शूट, एक्सपीरियंस लेटर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और तुम लोग का जो कंपनी में कर रहा था उसका आईडी कार्ड रहता तो बहुत और अच्छा है। क्यों है, जो भी कंपनी जाएगी पहले वो पूछता है आपको एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस लेटर किधर है, आईडी कार्ड किधर है, समझ में आया ना। तो आपको क्यों है ये मैं बता रहा है, मुँह में मैं बोलता है ना तो कोई सुनता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट मर्चेंट शूट चाहिए पड़ेगी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो जाने के लिए बाद कंपनी का पूछेगी आपका एक्सपीरियंस लेटर किधर है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोग वो एक्सपीरियंस लेटर लेके आना पड़ेगी। डॉक्यूमेंट बता दिया ना, आधार कार्ड जो पड़ेगा तो उसका, मार्कशीट जरा, एक्सपीरियंस लेटर, आईडी कार्ड और आपका बैंक पासबुक और फोटोज़, इतना लेके आना पड़ेगी। आप इंट्रो आने टाइम, ये मेरा ऑफिस एड्रेस व्हाइटफील्ड ओफर MEG कॉलेज पर रहता है। आप डायरेक्ट आ गए तो ऑफिस में मैं आपको नंबर दे देगी, ओनली फॉर 300 रुपीज़ रहता है ये जॉब होने के लिए बाद। हाई सैलरीज के लिए थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, हम लोग अभी 3,540 में जाना पड़ेगी, ओके ना। तो आपको अभी ये वीडियो पसंद लगे वो मैं सोच रहा कि ज़्यादा लोग ज़्यादा सैलरी पे एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको फूड एंड अकोमोडेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी सिक्योरिटी का, वो मिस ना करना बोलता है। क्यों है, बहुत लोग ये फरवरी खत्म होने के लिए बाद बहुत लोग आने वाला। अभी एक मैं बोलने वाला भूल गया था, अभी क्या बात है, सिक्योरिटी का जाने वाला रहने वाला को सिक्योरिटी तरफ से आपको जो फैसिलिटी है इसमें एक एक कंपनी देते है, एक एक कंपनी नहीं देते। हाई प्रोफेशन में जाने वाले को रूम पूछेगा तो वो अच्छा बात नहीं है शायद। क्यों है, वो लो कैटेगरी से मतलब सिक्योरिटी लोग जा के रहने वाला सुपरवाइजर को और SO के लिए वो लोग रूम फैसिलिटी नहीं देगी। एक एक कंपनी है उसका हिसाब से देख के हम लोग सुविधा करके देगी, नहीं तो बीज लेना पड़ेगी, ओके ना। और नेक्स्ट अच्छा वो एक टॉपिक है मेरे पास, क्यों क्या कैसे, ठीक है, उसका ये वीडियो भी आ जाएगी, वो थोड़ा देखना पड़ेगी आप लोग क्यों हैं। ये कोरोना वजह से कैसा है अभी बेंगलुरु पे सिचुएशन, वो जानकारी मैं देगी ये वीडियो पे आप लोग को, ओके। तो देखते रहना गणेश एजेंसी, नमस्ते।